मुझे कौन ग्राउंडेड ऐसा इंसान चाहिए जिसकी बात पे मैं बिना सोचे समझे विश्वास कर सकूं। सुपरस्टार विजय थलापति की फिल्म लियो के ट्रेलर का जो फीवर है ना, वो थर्मामीटर से मेजर नहीं होने वाला है। अब विजय की फिल्म में तुम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर लियो ट्रेलर को देखने के बाद आपको जरूर कमल हासन की फिल्म विक्रम की याद आएगी। हाँ, कुछ ऐसी चीज है जो आपको जरूरी विक्रम की याद दिला देगी, जैसे की विक्रम और लियो दोनों ही लोके सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा है, जो डायरेक्टर लोकेश कनगराज को अपना ग्रैंड यूनिवर्स है। तो जरूरी दो फिल्मों का आपस में कनेक्शन होना या आपके लिए कोई चार्ल्स कॉलेज बोर्ड का झटका तो नहीं होगा। पहले तो अगर हम विक्रम के कमल हासन और लियो के विजय दोनों को एक साथ देखेंगे ना, तो उनकी पर्सनालिटी आपको वही वाइब देगी, काम बिफोर द स्ट्रॉन्ग। अपना एक भयानक पास्ट लेकर ये दोनों भी एक फैमिली मैन बनकर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ट्रेलर में आपने देखा होगा तो एक कुर्सी पर विजय अपनी बेटी को गले लगाकर उसकी सोच में है, और यही सीन हमने विक्रम ने भी देखा था, जहां पर हमें कमल हासन नजर आए थे। उतना ही नहीं बल्कि इन दोनों का इंट्रोडक्शन सीन अपनी अपनी फिल्मों में सेम तरीके से दिखाया गया था, जहां पर वो एक बैक प्रोफाइल लेकर खड़े होते हैं। वैसे दोनों हीरोज का कैच फ्रेंड भी सेम है, जहाँ पर विक्रम अपने अंदाज में पूछ रहा है शुड वी स्टार्ट, तो वही लियो कह रहा है ब्लडी स्वीट। यानी कि इन दोनों की पर्सनालिटी ऐसी है जहां पर इनका साइलेंट अवतार धीरे धीरे करके इनका वॉयलेंट अवतार दिखाता है। मतलब बिल्कुल एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ये वाला स्टाइल है। मतलब कहीं ना कहीं हमें कैरेक्टर्स काफी सिमिलर नजर आते हैं, उनका बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, इसमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। और दोनों में चल तेरे बाप को मत समझा, ये वाला एटीट्यूड भी है। वैसे भी जब एक ही यूनिवर्स के अंदर एक ही डायरेक्टर अलग अलग फिल्में बनाता है ना, तो उनके कैरेक्टर्स में भी सिमिलैरिटी तो नजर आती ही है। जैसे वायारत में टाइगर हो, पठान हो, या फिर कॉप यूनिवर्स में सिंघम, सिम्बा या फिर सूर्यवंशी हो, पर भी हर एक का अपना अलग स्टाइल होता है। अब रैपिंग तो बादशाह और हनी सिंह दोनों ही करते हैं, पर दोनों का स्टाइल अलग है। वैसे ही विक्रम में कमल हासन का स्टाइल अलग था, वही लियो में विजय का स्टाइल अलग है। पावर पैक एक्शन से लेकर डांस तक विजय काफी हटके नजर आते हैं। जिस तरह का कैरेक्टर विजय लियो में दिखा रहे हैं, वैसे कैरेक्टर उन्होंने पहले कभी नहीं दिखाया है। 2016 की फिल्म थेरी में भी उनका यही अंदाज था, जहां पर वो पुलिस ऑफिसर थे, वहां पर भी गैंगस्टर ड्रामा था, वहां पर भी फैमिली मैन था, पर स्टाइल और वे ऑफ प्रेजेंटेशन, कैरेक्टर डिजाइन अलग है। पर विजय उसमें अलग ही रंग भर देते हैं, जिसकी वजह से कंपैरिजन सिमिलैरिटी ये भी मायने नहीं रखता। तो फिलहाल दोस्तों, आप हमें ये बताइए कि आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।